सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ की लंबाई वो है 12 सेमी। घनाभ की चौड़ाई जो है वो है 9 सेमी और घनाभ की ऊंचाई जो है वो है 5 सेमी। ये 5 सेमी, एक घनाभ की लंबाई 12 सेमी, चौड़ाई 9 सेमी, ऊंचाई जो है वो 5 सेमी है। आप पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर का चिन्ह 2, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर का चिन्ह लगाओ। सवाल को हमेशा ऐसे के पास यहां शुरू करना चाहिए, ये यहां से शुरू नहीं करना है, सवाल को यहां से शुरू करना है। 2 लंबाई हो गई 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12 बराबर का चिन्ह लगाते जाओ। अब 2 का 2 लिखो, 12 को 9 की गुणा करो, 12 को 12 नमा 108 प्लस का चिन्ह, 9 को 5 की गुणा करो 45 प्लस का चिन्ह, 5 को 12 से या 12 को 5 से गुणा करो 12 पंजे 60 बराबर का चिन्ह लगा दो, 2 गुणा का ये चिन्ह। अब आप इन तीनों को जोड़ो, पास में रखो, में जोड़ सकते हैं ऐसे 108 और 45 और 60 को जोड़ दो, 8 5 13 असल पाई 1, 10 1 11 असल पाई 1, 1 1 2 कितना हुआ 213। तो आप यहां लिख दीजिए 213 बराबर का चिन्ह लगा दो। अब आप 213 को 2 की गुणा करो, वैसे सीधी गुणा भी कर सकते हैं या से गुणा से गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 2 कम 2, 2 दूनी 4 कितना हुआ 426 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल की इकाई जो है वो वर्ग सेमी होती है, यहाँ दो वर्ग सेमी। अब इसका पूछा है आपको आयतन, तो आप यहाँ लिखो आयतन, घनाभ का आयतन वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये बराबर का चिन्ह। लंबाई हमारे पास 12 है गुणा का चिन्ह, चौड़ाई 9 गुणा ऊंचाई है 5 बराबर का चिन्ह। अब आप इन तीनों की गुणा कीजिए, 12 को 9 से गुणा करो 12 नमा 108 और 5 की गुणा करो 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, 540 घन सेमी। सेमी की क्यूब लिख दो या घन सेमी लिख सकते हैं, घन सेमी आप ये भी लिख सकते हैं घन सेमी से, घन सेमी क्योंकि इसमें सेमी 1 2 3 है, इसलिए सेमी की क्यूब लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 2, ये उदाहरण संख्या सेम का सेम ही है, उदाहरण संख्या 7 8वां, 3 घनों की कोर, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी और 1 सेमी है, इसे पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कल आप बताया था ये एक घन ये है, ये सेम का सेम है, ये घन ये है और एक घन ये तीनों घनों को मिला करके एक नया घन बनाएंगे, ये इन तीनों घनों को मिलाओ तो एक नया घन बनेगा यहाँ पर, ये नया घन बने। इसकी जो भुजा जो है वो 8 सेमी है, इसकी भुजा जो है वो 6 सेमी है, इसकी भुजा जो है वो 1 सेमी है। कल आपका सामने था 3 सेमी का, 4 सेमी का और ये 5 सेमी का था ये, तो इसको हम निकालेंगे, इसका पिघला करके एक नया घन बनाया गया, इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा, जो पहले घन की भुजा है वो है 8 सेमी, ये 8 सेमी। पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन निकालो आप, सबसे पहले पहले घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की क्यूब, यहाँ लिखो भुजा की क्यूब बराबर 8 की क्यूब लिख दो बराबर 512 घन सेमी, ये घन सेमी। फिर लिखो दूसरे घन की भुजा, दूसरे घन की
भुजा, दूसरे घन की जो भुजा जो है वो है 6 सेमी, दूसरे घन का आप आयतन निकालो बराबर भुजा की क्यूब, इसका भी निकालो आयतन 6 की क्यूब बराबर होगा 216 घन सेमी। तीसरे घन की भुजा, तीसरे घन की भुजा जो, तीसरे घन की भुजा जो है वो है 1 सेमी, ये 1 सेमी, तीसरे घन की भुजा जो है 1 सेमी, इसका भी आप आयतन निकालिए, आयतन बराबर होता है भुजा की क्यूब, ये भुजा की क्यूब निकालो, बराबर का चिन्ह 1 की क्यूब बराबर 1 गुणा 1 गुणा, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 1 सेमी की ये क्यूब। इन तीनों घनों को मिला करके ये बड़ा घन बनेगा, तो आप यहाँ लिखो नए घन का आयतन, नए घन का आयतन, ये नए घन का आयतन बन गया, ये कितना बना 512 + 216 + 1 बराबर का चिन्ह। अब आप देखो 512, 216 और 1 जोड़ दो, 6 2 8 1 9, 2 का 2 और 7 का 7 कितना हुआ 729, तो आप यहां लिख दो 729, ये 729 घन सेमी। इसका जो आयतन है वो 729 घन सेमी है ये। अब आपको इसका ये पूछा गया है कि इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो सब हमारे पास यहाँ आयतन आ रखा है, तो पहले आपको यहाँ पर भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी, इस नए घन की भुजा कितनी है वो आप निकालो, ये इस नए घन की भुजा कौन सी कितनी है। अब आप यहाँ लिखो घन का आयतन, घन का आयतन, हमारे पास घन का जो आयतन जो होता है वो होता है भुजा की क्यूब, यहाँ लिखो ये भुजा की क्यूब। अब आप यहाँ लिखो 729 बराबर का चिन्ह और यहाँ लिखो भुजा की क्यूब, ये हो गया भुजा की ये क्यूब। अब आप ये भुजा का क्यूब का मान 729 है, तो भुजा का मान निकालो, भुजा बराबर हो जाएगा 729 का घनमूल, ये घनमूल का चिन्ह होता है, 729 क्या हुआ घनमूल, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, ये 9 का घन, कैसा घन है ये 9 का, ये यहाँ लिख दो ये 9 का, देख लो 9 में 81 और 9 से गुणा करो 9 का 9 9 8 72 729, तो ये घन की जो भुजा जो है वो 9 सेमी होगी, इस नए घन की भुजा कितनी आ गई यहाँ पर 9 सेमी आ गई। अब आपको पूछा है इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप यहाँ लिखो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो आप यहां लिख दो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो 6 गुणा भुजा होता है, तो आप यहां लिखो 6 गुणा, हमारे पास भुजा कितनी है 9, तो आप यहां लिख दो 9 का स्क्वायर बराबर का चिन्ह 6 गुणा 9 में 81 बराबर का चिन्ह 6 कम 6 और 6 8 48 486 वर्ग सेमी, ये नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार कल आपको ये भी बताया 3 सेमी 4 सेमी और 5 सेमी है, इसका 27 होता, इसका 64 होता, इसका कितना होता 125, तीनों को जोड़ो कितना हुआ 216, कितना हो गया 216, तो नए घन का आयतन कितना हुआ 216 बन गया, नए घन का आयतन हो गया 216, भुजा ज्ञात करनी है, नए घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, 216 बराबर भुजा की क्यूब, भुजा बराबर होता है 216 का घनमूल, भुजा कितनी आ जाएगी 6 सेमी, फिर लिख दो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, इस प्रकार भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा सवाल है एक संदूक की माप, संदूक घनाभ होता है, एक संदूक की माप 50 सेमी × 36 सेमी × 25 सेमी है, लंबाई 50 सेमी है, चौड़ाई 36 सेमी और ऊंचाई 25 सेमी है, इस संदूक का कवर बनाने में कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, तो घनाभ का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो घनाभ का क्षेत्रफल आएगा वो क्या होगा कपड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये आप अपना आप ही करेंगे, लिख लो लंबाई 50 सेमी है, चौड़ाई 36 सेमी और ऊंचाई कितनी है 30-25 सेमी दी हुई है, घनाभ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सवाल नंबर संख्या 4, सवाल नंबर संख्या 4 जो क्या कहता है एक घन का पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है,
एक घन का पृष्ठ जो है 100 वर्ग से भी, घन का जो एक पृष्ठ होता है वो वर्ग होता है। घन का एक पृष्ठ यानी जो ये घन है इसका जो पृष्ठ होता है ये एक वर्ग है, ये इसका जो क्षेत्रफल है वो 100 सेमी है, ये 100 सेमी है, ये 100 सेमी है। घन का एक पृष्ठ जो होता है वो एक वर्ग होता है, इसलिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेमी है। आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो। जैसे देखो ये घन होता है, ये घन, इस घन को यदि हम आधार से यहां से इस नीचे से इस आधार से इसको दो भागों में से बांटते हैं, यहां पर देखो यहां पर ये तो इस घन के दो भाग करते हैं तो एक घना बन जाता है, ये भी घना बन गया। अब देखो यहां पर ये घना बन गया, यहां पर ये घना बन गया, यहां पर ये, तो इस घन के यदि हम दो टुकड़े करते हैं तो घना बन जाता है। इसकी लंबाई जो है आधी हो गई, लंबाई इसकी आधी हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि घन को काटेंगे तो लंबाई जो है आधी बन जाती है, और घनों को यदि चिपकाएंगे तो लंबाई जो है दुगुनी हो जाती है इसके अंदर। यदि आप घन को चिपकाते हैं, जैसे एक एक ईंट को एक पास चिपकाओ तो लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसको काटेंगे तो इसकी लंबाई जो है आधी हो जाएगी। तो इसकी अब देखो यहां पर देखो घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ये जो दिया हुआ है वो 100 वर्ग सेमी दी हुई, यहां पर ये 100 वर्ग सेमी। आपको इसकी पहले सबसे पहले भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। घन का जो क्षेत्रफल है ये एक वर्ग का क्या, ये क्षेत्रफल है, इसका मतलब ये वर्ग का क्षेत्रफल है ये। तो आप यहां लिखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ये भुजा का स्क्वायर। यहां लिख दो 100 बराबर क्या हुआ, भुजा का स्क्वायर लिख दो, ये भुजा का स्क्वायर लिख दो। अब भुजा स्क्वायर का मान कितना हुआ, 100, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, भुजा का मान हो जाएगा 100 का वर्गमूल, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा, 10 सेमी बन गई, ये 10 सेमी। तो अब इस घन की भुजा कितनी हो गई, 10 सेमी बन गई, लंबाई भी 10 सेमी है, चौड़ाई भी 10 सेमी है, और ऊंचाई भी कितनी है, 10 सेमी है। अब इसको कह रहा है कि यदि इस समतल द्वारा को काट कर दो भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो। तो आप देखो यदि घन को काटते हैं तो एक घना बनता है, यदि एक घन को काटने से क्या बनता है, घना बनता है, और एक घन को चिपकाते हैं तो भी क्या बनता है, घना बनता है। चिपकाते हैं तो लंबाई दुगुनी हो जाती है, और यदि काटते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है। तो आप यहां लिखो घनाभ की लंबाई, अब हमारे पास घनाभ की लंबाई कितनी हो गई, कितनी बन गई, 5 सेमी बन गई, और चौड़ाई कितनी बन गई, चौड़ाई तो 10 ही रहेगी, चौड़ाई भी 10 सेमी है, और ऊंचाई भी कितनी रहेगी, 10 ही सेमी रहेगी। यहां लिख दो आप 10 सेमी का, 10 सेमी लिख दो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस क्या होता है, ऊंचाई गुना लंबाई बराबर का चिन्ह। अब हमारे पास लंबाई कितनी है, 2 × 5 × 10 प्लस का चिन्ह, 10 गुना कितना हुआ, 10 प्लस का चिन्ह, और 10 गुना कितना हुआ, ये 5 बराबर का चिन्ह 2 कोष्टक, 50 प्लस कितना हुआ, 100 प्लस कितना हुआ, ये 50 बराबर का चिन्ह 2 कितना हुआ, ये 200 गुणा कर दीजिए कितना हुआ, 400 वर्ग सेमी। इसका भी क्षेत्रफल आएगा 400, और इसका भी कितना आएगा, 400, 400 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल बन जाता है। यानी वो कह रहा सवाल ये कहता है कि एक घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 100 वर्ग सेमी है, यानी एक घन जो है इसका एक पृष्ठ का जो है कितना, ये 100 वर्ग सेमी है। घन में 6 पृष्ठ होते हैं, एक पृष्ठ कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो घन की जो भुजा जो है कितनी हो जाएगी, 10 सेमी बनेगी, 10 सेमी का जो है वो घन है। अब इस घन को काट करके समतल द्वारा, घन को काट करके दो भागों में बांट दिया जाता है, इस प्रकार बनने वाले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो। तो अब घन को यदि काटेंगे तो एक घनाभ का निर्माण कर लेता है, तो घनाभ की लंबाई जो हो गई वो 5 सेमी बन गई, और चौड़ाई जो है वो 10 सेमी, और ऊंचाई जो है वो 10 सेमी बनेगी। अभी आकर इस घनाभ को चिपकाने से, एक दो घनों को चिपकाने से ठोस बनता है, उस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो, तो लंबाई कितनी बन जाएगी, देखो चिपकाएंगे, अब देखो ये एक घन यहां चिपकाएंगे ये, और एक घन ये चिपका दो ये, तो ये 10 और ये 10 कितनी हो गई, 20 सेमी। तो लंबाई जो है क्या बन गई, 20 सेमी। चौड़ाई में और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई वो सेम की सेम ही रहेगी। अगर जैसे किताब है, इस किताब को पास चिपकाओ तो लंबी बन जाती है किताब, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चिपकाने से लंबाई दुगुनी बनती है, और काटने से लंबाई
आधी बन जाती है। तो घनाभ की लंबाई जो होगी वो 5, चौड़ाई होगी 10 और ऊंचाई हो गई 10। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 2 कोष्टक 5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 5 2 50 प्लस 100 प्लस क्या हुआ 50 दोनों तीनों को जोड़ो 200 गुणा कर लीजिए 400 वर्ग सेमी। तो ये प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग सेमी बन जाता है। लास्ट एक सवाल और पांचवा, पांचवा सवाल, एक बगैर ढक्कन का एक बक्सा जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है, बगैर ढक्कन का मतलब है उसमें बक्सा जो है उसके ऊपर ढक्कन नहीं है, आपने देखा हुआ है कार्टून का कार्टून ऊपर से खुला होता है तो उसमें कितने फलक होते हैं, 1, 2, 3, 4 और नीचे वाला उसे 5 फलक होते हैं, ऊपर वाला फलक जो है नहीं होता है, बगैर ढक्कन का जो संदूक होता है उसमें 5 फलक होते हैं। तो आपको 5 फलकों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। एक बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, उसकी बाहरी लंबाई 146, चौड़ाई 116 सेमी और ऊंचाई 83 सेमी है, इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करो, जबकि पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है। लिखो, लकड़ी की मोटाई, लकड़ी की जो मोटाई है यानी जो बक्सा बना हुआ है वो कितना है, 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। जैसे को ये बक्सा देखो, ऐसे ये बक्सा है, ये 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, ये 3 सेमी मोटी ये लकड़ी है, ये 3 सेमी मोटी लकड़ी है, ये ऊपर से इसमें लकड़ी नहीं है, बगैर ढक्कन का है, ये 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है, इसकी बाहरी लंबाई जो है वो आपको दे रखी है, कितनी दी हुई है 146 सेमी, ये 146 सेमी, बाहरी चौड़ाई वो आपको दे रखी है 116 सेमी और बाहरी ऊंचाई दे रखी है आपके सामने 83 सेमी, ये दी हुई है, इसके अंदर की ओर पेंट करना है। अब देखो ये बक्सा जो है बाहर की लंबाई ये 146 सेमी है, ये बंद कर दो इसको, आपको बाहर की लंबाई 146 सेमी है, बाहर की चौड़ाई 116 सेमी है, लकड़ी की मोटाई हमेशा बाहर वाली बक्से में या कार्टून में लकड़ी हमेशा जुड़ती है, अंदर वाली में लकड़ी जो है घटेगी। तो आप यहां लिखो अंदर की लंबाई आपको अंदर की पहले लंबाई का, देखो बाहर की लंबाई कितनी है 146 माइनस, अब देखो 3 सेमी, देखो ये 3 सेमी मोटी लकड़ी ही है, ये 3 सेमी और 3 सेमी मोटी लकड़ी ही है, ये 3 और 3 कितना हुआ 6 सेमी, ये 6 सेमी जो है अंदर की लंबाई जो है कम हो जाएगी, तो अंदर की लंबाई कितनी हो गई 100 कितनी हो गई 40 सेमी, क्योंकि ये 3 सेमी ये और 3 सेमी ये, 6 सेमी जो है कम हो जाएगी, तो यहां ले दो 6 कितना हुआ 140 सेमी, ये अंदर की लंबाई बन गई 140 सेमी और अंदर की चौड़ाई कितनी बनेगी बताओ, कितनी बनेगी 116 माइनस 6 भी कम होगी, तो आप यहां 6 और कम कर दो कितना हुआ 110 सेमी, ये 110 सेमी और ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई हो जाएगी कितनी 83 माइनस कितनी कम होगी, देखो अब इसमें ढक्कन नहीं है, इसमें ढक्कन नहीं है इसका मतलब ऊपर ढक्कन में लकड़ी नहीं लगी हुई है, केवल नीचे लकड़ी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये 3 सेमी लकड़ी क्या है ये कम होगी, इसकी 3 सेमी लकड़ी ये नीचे वाली लकड़ी जो है कम हो जाएगी, तो यहां लिख दो आप यहां पर ये 3 सेमी, कितना हुआ यहां पर ये 80 सेमी बन गई, इसमें बगैर ढक्कन का है, यदि ढक्कनदार होता तो 6 सेमी कम होती, और यदि ये बगैर ढक्कन का है इसलिए इसमें 3 सेमी लकड़ी जो है वो कम होगी, क्योंकि इसमें तो इधर भी लकड़ी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, नीचे लगी हुई है, ऊपर लकड़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें लकड़ी कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो लकड़ी हम कहाँ से कम करेंगे, तो इसका मतलब ऊंचाई कितनी हो जाएगी 83 में से 3 कम कर दो कितना हो जाएगा 80 सेमी। अब आप ये लिखो अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, कितना फलक है ये
छह फलक है, कितना फलक है छह, लेकिन इसमें ये फलक है नहीं है, तो यहां लिख दो माइनस और क्या हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई, एक फलक इसमें कम हो जाएगा। तो ये छह फलक है, इसमें छह फलक में से ये एक फलक घटा दो तब ये पांच फलक जो है बच जाता है। तो दो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई माइनस का चिन्ह और क्या हुआ ये लंबाई गुणा चौड़ाई। ये माइनस कम क्यों किया है, क्योंकि इसमें ऊपर जो है लकड़ी इसमें लगी हुई नहीं है, ऊपर से खुला है बगैर ढक्कन का, उसमें कोई लकड़ी नहीं है, इसके अंदर ऊपर से कोई क्षेत्रफल नहीं है, ऊपर से खुला है बिल्कुल ये। तो इसका मतलब एक फलक जो है हम इसमें कम कर देंगे, तो ये पांच फलक छह में से एक कम कर दो कितने हो जाएंगे पांच फलक हो जाते हैं। निकाल दो, दो लंबाई कितनी है 140 प्लस 100 गुणा का चिन्ह 10 प्लस का चिन्ह 110 गुणा कितना हुआ 80 प्लस का चिन्ह और 80 गुणा कितना हुआ 140 माइनस का चिन्ह और 140 गुणा कितना हुआ 110। अब सवाल करो बराबर का चिन्ह दो का दो गुणा करो 0 0 चौदह कम 14 सफाई 1 14 एक 15 प्लस का चिन्ह 11 8 88 दो जीरो लगा दो प्लस का चिन्ह 14 8 112 माइनस का चिन्ह और कितना हुआ 15,400। अब हल्का उसको बराबर का चिन्ह दो गुणा का चिन्ह पहले इन तीनों को जोड़िए, जोड़ो कितना हुआ 15,400 और 8,800 और 11,200 जोड़ो 0 0 आठ दो 10 4 14 सलपाई 1 8 5 13 14 एक 15 सलपाई 1 2 एक 3 कितना हुआ 35,400। तो यहाँ लिखो 35,400 माइनस का चिन्ह कितना हुआ 15,400। अब आपको पहले गुणा करनी है, पहले घटाना नहीं है, पहले इन दोनों की क्या होगी गुणा होगी। गुणा करो 0 0 4 दूनी 8 5 दूनी 10 सलपाई 1 6 एक 7 माइनस कितना हुआ 15,400। अब घटा दो इसमें, घटाओ कितना हुआ 70,800 में से क्या करेंगे 15,400 घटा दो, घटा दो 0 0 4 का 4 5 का 5 और 5 का 5 कितना हुआ 55,400। तो आप यहां लिख दो 55,400 वर्ग सेमी, कितना हुआ 55,400 वर्ग सेमी। ये संदूक कहे पांच फलकों का क्षेत्रफल है, अंदर का क्षेत्रफल। अब वो कह रहा है ₹2, ये इसमें खर्चा पूछा है ₹2 प्रति 100 वर्ग सेमी, यानी 100 ₹2 प्रति 1000 वर्ग सेमी से खर्चा ज्ञात करना है, यानी 1000 वर्ग सेमी खर्चा कितना है ₹2। तो हमारे पास कितना क्षेत्रफल है 55,400। यहां लिखो रंग का व्यय, रंग का व्यय ₹2 प्रति 1000 वर्ग सेमी है, तो 2/1000 लिख दो, 2/1000 गुणा का चिन्ह कितना हुआ 55,400। काट दो 20 से 20 गुणा करो 4 दूनी 8 5 दूनी 10 सरपाई 1 10 1 11 बटा कितना हुआ 10 बराबर 110 पॉइंट क्या हुआ ₹80 लिख दो आप यहाँ पर, ₹110 80 पैसे खर्चा हो जाएगा। ये प्रति हजार है, ये ₹2 प्रति हजार, प्रति हजार इसका मतलब है 1000 वर्ग सेमी का जो खर्चा जो कितना है ₹2। प्रति वर्ग एक सेमी होता तो खर्चा कितना होता 2 से गुणा करते सीधे, लेकिन यहां पर प्रति हजार दे रखा है तो 2/1000 लिख दो, 100 पूछते हैं तो 2/100 लिख दो, 1 पूछते तो 1/1 लिखना जरूरत नहीं होती यहां पर। तो 2/1000 गुणा कितना हुआ 55,400, 20 से 20 काट दो पहले से गुणा करके 10 का भाग लगा दो 4 दूनी 8 5 दूनी 10 10 एक 11 1108 10 का भाग लगाओ ₹110.80 आ गए। इस प्रकार ये खोखले बगैर ढक्कन का जो संदूक है, यानी खोखला ऊपर से ढक्कन नहीं है, उस संदूक का अंदर का जो क्षेत्रफल है वो कितना हुआ 55,400 वर्ग सेमी। घनाभ की लंबाई वो L है, घनाभ की चौड़ाई जो है वो B है, और घनाभ की ऊंचाई जो है वो H है, क्योंकि आपको इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई माननी पड़ेगी। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग जो है 19 सेमी है, तो लंबाई
प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 19 सेमी। ये समीकरण नंबर आप एक बना दो, ये समीकरण नंबर एक बना दीजिए। घनाभ की लंबाई L हो गई, घनाभ की चौड़ाई B हो गई और घनाभ की ऊंचाई जो है H हो गई। और प्रश्न कह रहा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है 19 सेमी। कर दो समीकरण नंबर एक बना दो। फिर आपको दे रहा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बराबर कितनी हुई है 11 सेमी दी हुई है। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई जो है वो 11 सेमी दी हुई है। आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। तो आप यहाँ लिखो घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की जो लंबाई होती है वो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। अब आपको लंबाई कितनी दी हुई है 11, तो आप यहाँ लिख दो 11 बराबर का चिन्ह लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये अंडर रूट हटाएंगे इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, अंडर हटाओ तो 11 का स्क्वायर बराबर का चिन्ह एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या हुआ एच का स्क्वायर। वर्क खोल दो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या हुआ एच का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 121। समीकरण नंबर दो बना दो। घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी है 11 सेमी दी हुई है। घनाभ के विकर्ण की लंबाई लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। आपको घनाभ का विकर्ण जो है 11 सेमी दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिख दो 11 बराबर का चिन्ह लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट लगा दो। अब ये अंडर रूट को आपको हटाना है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। यदि स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगता है, यदि अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लगता है। तो यहाँ 11 का वर्ग कर दो बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या हुआ एच का स्क्वायर, या एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कितना हुआ 121। समीकरण नंबर दो बना दीजिए। अब आप समीकरण एक का वर्ग करो, यहाँ लिखो समीकरण एक का वर्ग करने पर समीकरण एक का वर्ग करने पर जो समीकरण एक है उसका आपको वर्ग करना है। एल का स्क्वायर प्लस बी का एल प्लस बी प्लस एच का वर्ग बराबर का चिन्ह और 19 का ये वर्ग। समीकरण एक का वर्ग कर दो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर 19 का वर्ग कर दो। अब आप इसका वर्ग खोलो, वर्ग खोलो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर का चिन्ह 19 का वर्ग खोलो 361 कितना आएगा 361। आप इसकी गुणा रफ को भी कर सकते हो, कैसे बताइए लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का वर्ग गुणा करो, लंबाई को L प्लस बी प्लस एस से गुणा करो प्लस B को आप L प्लस बी प्लस एस से गुणा करो प्लस H को L प्लस बी प्लस एच की गुणा करो, गुणा करो L का स्क्वायर प्लस गुणा करो एल बी प्लस का चिन्ह बी 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 को गुणा करो और बी एल एच एच एल लिख दो एच एल प्लस का चिन्ह गुणा करो बी एल प्लस का चिन्ह बी का वर्ग प्लस बी एच लिख दो प्लस का चिन्ह गुणा करो एच एल प्लस बी एच प्लस का चिन्ह और एच का स्क्वायर कर दो। अब आपको समान पहले बड़ी गाल ले लो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या हुआ एच का स्क्वायर प्लस का चिन्ह। अब देखो एल बी एक और एल बी एक कितना हुआ 2LB, तो आप यहाँ लो 2LB प्लस का चिन्ह 2BH प्लस क्या हुआ 2HL बन जाएगा। ये सेम गुणा सेम के सेम आ गए यहाँ पर, इस प्रकार से गुणा भी कर सकते हैं। गुणा करने जरूरत नहीं, आपको 9 क्लब पढ़ा होगा ये वर्ग खोलना, ये L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस क्या हुआ 2HL बराबर कितना हुआ 361। अब देखिए आगे इसमें दो कॉमन ले लो, इसमें दो कॉमन आता है
इसमें दो को, इसका मान कितना देखो, इसका मान तो ये रहा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान कितना हुआ, कितना दिया हुआ है 121, आप यहाँ लिख दो 121 प्लस का चिन्ह, इसमें दो कॉमन आता है, दो कॉमन ले लो, कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हुआ एच एल बराबर का चिन्ह कितना हुआ 361। अब आप इस संख्या को आप इधर ले आओ, कितना हुआ 2 एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हुआ एच एल बराबर का चिन्ह 361 माइनस कितना हुआ 121। 2 एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हुआ एच एल बराबर कितना हुआ, घटा दो 361 में से 121 कम कर दो, 0 4 और 2 कितना हुआ 240 वर्ग सेमी। ये घनाभ का क्या, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई कितना हुआ 240 वर्ग सेमी बनेगा। ये इस प्रकार से हल होगा। ये वापस देखो, घनाभ की लंबाई L दे रखी है, घनाभ की चौड़ाई B दी हुई है, घनाभ की ऊंचाई H मान लो, प्रश्न कहता है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग कितना है 19 है, समीकरण नंबर आप 1 बना दो। फिर प्रश्न में ये भी दिया हुआ है घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है 11 सेमी दी हुई है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या हुआ ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट लगा दो। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी है 11, तो आप यहाँ 11 लिखो बराबर का चिन्ह लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या हुआ ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये अंडर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, 11 का वर्ग लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस क्या हुआ ऊंचाई का स्क्वायर बन गया। अब वर्ग खोलो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 121, समीकरण नंबर 2 बना दो। पहले समीकरण नंबर 1 बना दो फिर समीकरण नंबर 2 बना। अब आप समीकरण 1 का वर्ग करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 दी हुई है ये, इस समीकरण 1 का आपको वर्ग करना है। समीकरण 1 का वर्ग करने पर लंबाई का लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का वर्ग करो बराबर 19 का वर्ग कर दो। अब वर्ग खोलना है आपको, ये वर्ग लगा दो, इसके ऊपर वर्ग लगा दीजिए दोनों पक्षों के ऊपर। अब वर्ग खोलो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल बराबर कितना हुआ 361। अब आपको मालूम है कि इसका मान हमारे पास दिया हुआ है, देखो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ है 121 दिया हुआ है, तो आप यहाँ लिख दो 121 प्लस का, इसमें दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन ले लो, कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बराबर कितना हुआ 361। अब आप इस 121 का पक्षांतरण करेंगे, इसको आप इधर लाएंगे तब ये किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 361 में से 121 कम कर दो 240 वर्ग सेमी। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो कह रहे हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखो, एक 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श यानी वर्ग है, वर्गाकार फर्श का मतलब है वर्ग हो गया, वर्ग यानी भुजा गुणा भुजा, लंबाई भी दी हुई है चौड़ाई भी सेम है, ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखो माना कि कमरे की ऊंचाई h मीटर मान लो, कमरे की लंबाई जो है वो 6 मीटर, कमरे की चौड़ाई जो है वो भी क्या है 6 मीटर, क्यों बताओ, क्योंकि वर्गाकार कमरा है ये, वर्गाकार कमरा यानी 6 मीटर लंबा और 6 मीटर क्या है चौड़ा है, इसलिए 6 मीटर लंबा है और 6 मीटर क्या है ये चौड़ा है, इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और फिर कह रहा है कमरे में हवा यानी कमरे का आयतन, कमरे का आयतन, कमरे का जो आयतन है वो 180 घन सेमी दिया हुआ है, यहाँ घन मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर ये घन मीटर ये दिया हुआ है, ये घन मीटर दिया हुआ है। वर्गाकार कमरे में 180 घन मीटर हवा है, इस मान लो इस हॉल के अंदर जितनी भी हवा है इस हॉल का ये आयतन है,
तो कमरे का आयतन 180 घन मीटर है। तो आप यहाँ लिखो गनाब का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कितना 180 बराबर का चिन्ह, लंबाई कितनी है 6 × 6 × h, 180 बराबर कितना हुआ 36 h, कितना हुआ 36 h, तो h बराबर कितना हो जाएगा 180/36, 36 पंजा होता है 180, 5 मीटर, तो कमरे की ऊंचाई कितनी हो गई 5 मीटर बन गई, ये 5 मीटर ऊंचा कमरा होगा। तो माना कि कमरे की ऊंचाई जो है वो h मीटर मान लो, लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई भी क्या है 6 मीटर, वर्गाकार कमरा है, 6 मीटर वर्गाकार फर्श है, यानी 6 मीटर लंबा है और 6 मीटर क्या है ये चौड़ा है। तो कमरे की ऊंचाई, कमरे की लंबाई और कमरे की चौड़ाई, कमरे का आयतन हवा दी हुई है 180 घन मीटर हवा भरी हुई है, इसका मतलब ये कमरे का आयतन बन गया। कमरा जो है घनाभ होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 180 बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, गुणा करो 36h, 36h का मान कितना हुआ 180h का मान हो जाएगा 180/36h का मान आ जाएगा 5 मीटर। अगला प्रश्न है सवाल नंबर संख्या 8वां, 44 मीटर लंबा 1.5 मीटर ऊंचा और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7 सेमी माप की कितनी ईंटें लगेगी, ईंट कमरे का आयतन बटा एक ईंट का आयतन है। तो यहाँ लिखो दीवार की लंबाई जो है आपको दे रखी है 44 मीटर, ये 44 मीटर दीवार की चौड़ाई जो दे रखी है वो दी हुई है 35 सेमी और दीवार की ऊंचाई जो दे रखी है 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर और ईंट की लंबाई जो दे रखी है वो 22 सेमी, ईंट की चौड़ाई दे रखी है 10 सेमी और ईंट की ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है 7 सेमी, इसमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यदि इस दीवार बनाएंगे इस दीवार में जो है कितनी ईंटें लगेगी। तो दीवार की लंबाई कितनी है 44 मीटर है, दीवार की चौड़ाई जो है 35 सेमी दी हुई है यहाँ पर और दीवार की ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर दी हुई है और एक ईंट की लंबाई 22 सेमी है, चौड़ाई जो है 10 सेमी है, ऊंचाई जो है वो 7 सेमी। अब देखो यहाँ इकाई सेंटीमीटर में और यहाँ इकाई किस में मीटर में आई हुई है, तो आपको मालूम है इस 44 मीटर के हम सेमी बनाएंगे, एक मीटर के अंदर 100 सेमी होता है, एक मीटर में 100 सेमी होता है, तो 44 मीटर में कितने सेमी होंगे 4400, 4400 लग दो, ये 400 ये तो दिया हुआ है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ 35 सेमी है यहाँ पर ये और ऊंचाई 1.5 मीटर है, एक मीटर में कितना होता है 100 और आगे 50, तो यहाँ लग दो 150 सेमी, लग दो यहाँ 150 सेमी। अब आप यहाँ लिखो ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन, आप दीवार के आयतन में एक ईंट का आयतन का भाग लगा दो, दीवार का आयतन बट्टा क्या होता है एक ईंट का आयतन। अब बताओ दीवार की लंबाई, देखो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, अब लंबाई कितनी है 4400, तो आप यहाँ लिखो 4400 गुणा का चिन्ह कितना हुआ 35 गुणा का चिन्ह कितना हुआ 150 बट्टा का ये चिन्ह और ये कितना हुआ 22 गुणा 10 गुणा कितना हुआ ये 7। अब इसको काटो इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, 22 से काटो 22 एक 22 22 दो कितना हुआ 44 दो जीरो लगा दो और 7 एकम 7 7 पंजा 35। अब 22 200 को 5 से गुणा करो 1000 कितना आएगा 1000 और 1000 को 15 से गुणा करो कितना आएगा 15000 कितना आएगा 15000 ईंटें आएगी कितना आएगी 15000 ईंटें आ जाएगी 15000 ईंटें आ जाएगी 15000 ईंटें। तो 4400 गुणा 35 गुणा कितना हुआ 150 और 22 गुणा 10 गुणा कितना हुआ 7। काटो जीरो से जीरो काट दो 7 पंजा 35 22 का 22 बाई दुना 44 200 को क्या करेंगे 5 से गुणा करो कितना आएगा 1000 1000 को 5 से गुणा करो
15,000 जो है इस दीवार बनाने में ईंटों की आवश्यकता होगी। नौवां सवाल देखो क्या है, नौवां सवाल कह रहा है 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। कमरा आपको बताया, कमरे में सबसे लंबी छड़ क्या होती है, गनाब का विकर्ण होता है। कमरे में सबसे लंबी जो छड़ है वो विकर्ण होता है, ये गनाब का विकर्ण होता है, ये सबसे लंबी छड़ रहता है, ये ले लो ये ले लो, ये सबसे लंबी छड़ होती है। तो लिखो कमरे की लंबाई जो है वो 10 मीटर है, कमरे की चौड़ाई जो है वो है 8 मीटर है, और कमरे की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। यहाँ दो 6 मीटर, कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। लिखो कमरे के विकर्ण की लंबाई लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट, 10 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग का अंडर रूट। 10 का वर्ग खोलो 100, 8 का वर्ग खोलो 64, 6 का वर्ग खोलो 36, दोनों को जोड़ो कितना हुआ 200 का वर्गमूल। अब आप 200 का वर्गमूल निकालेंगे, 200 का वर्गमूल जो होता है वो 10 रूट कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 10 रूट 2 मीटर, यानी 10 रूट 2 कैसा होता है देखिए, 200 का आप वर्गमूल अब आज निकालो 2 कितना हुआ 100, 2 का निकालो 50, 2 का निकालो 25 कितना हुआ 5, 5 और 5 और 1 जोड़ा बन गया और जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो क्या आ जाएगी रूट में आ जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ लग दो 10 रूट 2 मीटर बन गया। तो ये कमरे के विकर्ण की लंबाई, अतः कमरे में सबसे लंबी छड़ जो कितनी होगी 10 रूट 2 मीटर होगी। अगला सवाल है दसवां, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, घन की भुजा ज्ञात करनी है। बिल्कुल सरल है, ये देखो घन का आयतन दिया हुआ है 512 घन मीटर, ये घन मीटर आपको क्या ज्ञात करनी है, भुजा ज्ञात करनी है। ये तो यही सूत्र लगा दो, यहां लिख दो घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब बराबर 512, यहां लिखो बराबर भुजा की क्यूब, लिख दो यहाँ पर भुजा की क्यूब का मान कितना हुआ 512, तो भुजा का मान क्या होगा, भुजा का मान हो जाएगा 512 का घनमूल, तो भुजा का मान कितना हो जाएगा 8 मीटर, लिख दो 8, अतः घन की भुजा क्या होगी 8 मीटर हो जाएगी। 11 में क्या पूछा है, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर 30 सेमी और 3 मीटर ऊंची है, दीवार बनाने में 20 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी माप की कितनी ईंटों की, सेम का सेम सवाल देखो, यहाँ लिखो दीवार की लंबाई जो है वो है 5 मीटर और दीवार की चौड़ाई जो है वो है 30 सेमी और दीवार की ऊंचाई जो है वो है 3 मीटर, ये 3 मीटर और एक ईंट की लंबाई जो है वो है 20 सेमी, चौड़ाई जो है वो है 10 सेमी और ऊंचाई जो है वो है 7.5 सेमी, ये 7.5 सेमी। अब देखो यहाँ पर आपको इकाई किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, और यहाँ इकाई किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसको पहले मीटर को सेंटीमीटर बनाओ, 5 मीटर के कितने सेमी बनेंगे 500 सेमी बन गए, आगे लो 500 सेमी, ये तो सेम का सेम बता दो 30 सेमी का 30 सेमी और 3 मीटर के बन जाएंगे 300 सेमी बन गई। लिख दो ईंटों की संख्या बराबर का चिन्ह दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन। अब दीवार जो है गनाब है, गनाब का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, तो 500 गुणा 30 गुणा 300 बट्टा का चिन्ह और 20 गुणा 10 गुणा 7.5, अब ये पॉइंट हटा दो और एक जीरो आप यहाँ लगा दीजिए, अब काट दो जीरो से, ये जीरो काट दो, ये कट गया,
इस जीरो से ये जीरो काट दो, 25 दुना 50, 25 तिया 75, 3 से ये 3 काट दो, 2 से ये 2 काट दो, बराबर 3000 ईंटें। उस दीवार को बनाने में 3000 ईंटों की आवश्यकता होगी। सेम का सेम सवाल है, दीवार की लंबाई है, दीवार की चौड़ाई है, दीवार की ऊंचाई दी हुई है, एक ईंट की लंबाई है, एक ईंट की चौड़ाई है और एक ईंट की ऊंचाई है, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है, दीवार का आयतन बटा क्या हुआ एक ईंट का आयतन। लास्ट एक सवाल और बचा है, ये उदाहरण नंबर संख्या 6 का 6 सेम है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2, देखो यहाँ दिया है 5:3:2 दिया हुआ है, माना कि घनाभ की लंबाई जो है वो है 5x, घनाभ की चौड़ाई जो है वो 3x, घनाभ की ऊंचाई जो है वो 2x, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 558 वर्ग सेमी। तो उनकी कोरों की लंबाई यानी घनाभ की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, तो यही सूत्र आपको लगाना है। यहाँ लिखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। क्षेत्रफल आप यहाँ भी लिख सकते हो, आप बराबर में भी लिख सकते हो, सही हो। असल लिख लो भाई, 2 लंबाई कितनी है 5x गुणा 3x प्लस का चिन्ह 3x गुणा 2x प्लस का चिन्ह 2x गुणा 5x बराबर कितना हुआ 558। आगे भी लिख सकते हो, इधर भी आप लिख सकते हो, या का चिन्ह लगा दो, या 2 का 2 गुणा करो 15x, गुणा करो 6x, गुणा करो 10x बराबर कितना हुआ 558। अब 2 गुणा का चिन्ह 15, 10 कितना हुआ 25 और 6 कितना हुआ 31x स्क्वायर, ये 31x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 558। हल करो 62x स्क्वायर बराबर कितना हुआ 588। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 588 बटा कितना हुआ ये 62। काटो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 9 बार, कितने बार कटेगा 9 बार। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 9, तो एक्स का मान आ जाएगा 9 का अंडर रूट, एक्स बराबर आ जाएगा 3। एक्स का मान कितना आ गया 3। आप यहाँ लिख दो घनाभ की लंबाई जो है वो कितनी है 5x है, 5 × 3 बराबर 15 सेमी। घनाभ की चौड़ाई कितनी है 3x है बराबर 3 × 3 बराबर 9 सेमी। और घनाभ की ऊंचाई कितनी है 2x है बराबर 2 × 3 बराबर 6 सेमी। ये घनाभ की कोरे यानी भुजा आ गई। वापिस घनाभ, माना कि घनाभ की लंबाई कितनी है 5x है, घनाभ की चौड़ाई जो है वो 3x है, घनाभ की ऊंचाई कितनी है ये 2x है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र कितना दिया हुआ है 588 वर्ग सेमी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 2, 5x गुणा 3x प्लस का चिन्ह 3x गुणा 2x प्लस का चिन्ह 2x गुणा 5x बराबर 588। गुणा करो 2, 5x ने 3x ही गुणा करो 15x स्क्वायर, गुणा करो 6x स्क्वायर, गुणा करो 10x स्क्वायर बराबर 588। 2 गुणा कितना हुआ 31x स्क्वायर बराबर 588, 62x स्क्वायर बराबर 588, x स्क्वायर बराबर 558 बटा कितना हुआ 62, भाग लगाओ कितना आएगा 9, एक्स स्क्वायर का मान कितना हुआ 9, एक्स का मान 9 का अंडर रूट, एक्स का मान कितना देगा 3, एक्स का मान आया है 3। अब घनाभ की लंबाई 5x है, 5 × 3 बराबर 15 सेमी, 3x 3 × 3 बराबर 9 सेमी, 2x बराबर 2 × 3 बराबर 6 सेमी। इस प्रकार ये 16.1 प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई है। आपको फेयर कॉपी में 1 से लेकर के 12 तक सवाल कंप्लीट पूरे करने हैं। धन्यवाद।